गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच सहुले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रकार हैं उनके बारे में। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के मोस्टली 6 प्रकार माने जाते हैं। तो इन 6 प्रकारों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा प्रकार होता है, और इसमें सबसे कम खतरनाक कौन सा प्रकार होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो भी प्रकार हैं उनमें सबसे पहला जो प्रकार होता है या फिर सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम प्रोक्टाइटिस ऐसे बोलते हैं। तो प्रोक्टाइटिस के अंदर, जैसे कि आप इस वक्त यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो, तो प्रोक्टाइटिस के अंदर उस पेशेंट में लार्ज इंटेस्टाइन का जो डिस्टल पार्ट होता है, जिसको कि हम एनल कैनल ऐसे बोलते हैं, सिर्फ वही पार्ट इन्वॉल्व होता है, बाकी जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और प्रोक्टाइटिस ट्रीट करने के लिए सबसे कम रिस्की होता है और ट्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये कम एरिया को अफेक्ट करता है, तो इससे आने वाले लक्षण भी लिमिटेड होते हैं। मतलब उस पेशेंट को खास करके लैटरिन के दौरान ही तकलीफ होती है, बाकी टाइम पे, बाकी समय पे वो पेशेंट मोस्टली अनसिम्प्टोमेटिक या फिर असिम्प्टोमेटिक रहता है। प्रोक्टाइटिस को हम मोस्टली क्लिनिक में प्रोक्टोस्कोपी के थ्रू भी डायग्नोस कर सकते हैं काफ़ी हद तक। इसके बाद जो दूसरा प्रकार होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, उसको बोलते हैं प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस। तो प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस के अंदर उस पेशेंट में एनल कैनल के साथ साथ जो सिग्मोइड कोलन होता है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि आप इस वक्त मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो। तो एनल कैनल के साथ साथ जब सिग्मोइड कोलन भी उस पेशेंट में इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर उसको प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस ऐसे बोलते हैं, जहाँ पर उस पेशेंट के जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो पहले प्रोक्टाइटिस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसको डायग्नोस करने के लिए हमें मोस्टली कोलोनोस्कोपी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये था दूसरा प्रकार अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जिसको कि हम प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस ऐसे भी बोलते हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रकार होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके अंदर उस पेशेंट में जो पूरा लेफ्ट साइड होता है, मतलब कि डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइडल कोलन और एनल कैनल, ये तीनों भी पार्ट उस पेशेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन के आप बोल सकते हो कि पूरी, एक तरह से पूरी लेफ्ट साइड इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। इसी को लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसे भी बोलते हैं। इसको आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पूरा लेफ्ट साइड है जिसके अंदर डिसेंडिंग कोलन आता है, सिग्मोइडल कोलन आता है, और इसके साथ साथ एनल कैनल भी आ जाता है, ये सभी पार्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसके साइंस और सिम्टम्स उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा सीवियर आ सकते हैं। इसके वजह से उस पेशेंट को एनस के थ्रू लैटरिन के दौरान ब्लीडिंग भी हो सकती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, पेट हमेशा फूला हुआ रह सकता है, ऐसे बहुत से साइंस और सिम्टम्स उस पेशेंट में इसके वजह से आ सकते हैं। इसके बाद जो चौथा प्रकार होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव कोलाइटिस। तो एक्सटेंसिव कोलाइटिस इस वक्त, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्सटेंसिव कोलाइटिस के अंदर उस पेशेंट में ट्रांसवर्स कोलोन, इसी के साथ साथ डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइडल कोलोन और एनल कैनल, ये सभी पार्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब पूरा लेफ्ट साइड का जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, पूरा लेफ्ट साइड लार्ज इंटेस्टाइन, इसके साथ साथ ट्रांसवर्स कोलोन, ये सभी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और इसी को एक्सटेंसिव कोलाइटिस ऐसे भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो पेशेंट को साइंस और सिम्टम्स आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं, और उस पेशेंट को, जैसे कि हमने इससे पहले बात की कि लैटरिन के दौरान ब्लीडिंग होना, पेट के अंदर दर्द होना, बुखार होना, पेट फूल जाना, भूख न लगना, वोमिटिंग या फिर उल्टी जैसे लगना, ये काफ़ी साइंस और सिम्टम्स उस पेशेंट में आ सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा प्रकार होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, उसको हम बोलते हैं पैन कोलाइटिस। और पैन कोलाइटिस के अंदर, जैसे कि आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हो, पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब कि इसके अंदर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइडल कोलोन और एनल कैनल, ये लार्ज इंटेस्टाइन के सभी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसके वजह से उस पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा सीवियर साइंस और सिम्टम्स आ सकते हैं। वो पेशेंट बिना कोई भी इंजेक्शन या मेडिसिन लिए ठीक से नहीं रह सकता, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, और इस कंडीशन में उस पेशेंट में पर एनल या फिर पर रेक्टम ब्लीडिंग के वजह से एनेमिक कंडीशन भी हो सकती है, और इस कंडीशन में उस पेशेंट को प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन की या फिर प्रॉपर आगे की जो भी सर्जिकल केयर की जाती है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे आखिरी प्रकार होता है वो होता है टॉक्सिक कोलाइटिस। तो टॉक्सिक कोलाइटिस के अंदर उस पेशेंट में पैन कोलाइटिस के ही सभी लक्षण होते हैं, लेकिन टॉक्सिक कोलाइटिस आप कह सकते हो कि एक तरह से पैन कोलाइटिस का ही एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है। इसमें पैन कोलाइटिस की तरह ही लार्ज इंटेस्टाइन के सभी स्ट्रक्चर तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, लेकिन इसके अंदर पैन कोलाइटिस के मुकाबले जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसीलिए इसको टॉक्सिक कोलाइटिस ऐसे भी कहा जाता है। टॉक्सिक कोलाइटिस के पेशेंट में उस पेशेंट का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हो जाता है,
इसके साथ साथ उस पेशेंट के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म बन जाते हैं, उन ज़ख्मों से ब्लीडिंग होती है। इसके साथ साथ वहाँ पे उस पेशेंट के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी बन जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ म्यूकोजल एबनॉर्मलिटीज़ भी देखी जा सकती हैं। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें तो टॉक्सिक कोलाइटिस ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इसके कॉम्प्लिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो टॉक्सिक कोलाइटिस ट्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और प्रोक्टाइटिस जो होता है वो ट्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो आज हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के टाइप्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।